तो फ्रेंड आज हम बनाएंगे कुल्फी। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी कढ़ाई में एक चम्मच तक, और आधा लीटर दूध डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया, इसमें से ठंडा दूध को चार चम्मच मेल लेके इसमें मिक्स कर देंगे। दूध में देखिए उबाल आने लगा है। इसमें शक्कर डाल दूंगी आधा कप, और इसमें थोड़ा सा पिस्ता कट करके बारीक डाल दिया है, और इसे पकाएंगे, थोड़ा गाढ़ा करेंगे। थोड़ी सी इलायची डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो थोड़ा सा क्रश कर लीजिए और डाल दीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, जो कस्टर्ड पाउडर लिए उसे थोड़ा थोड़ा करके घोल बनाकर डालेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये गुठलियाँ पड़ जाएंगी। थोड़े सा केसर डाल दे रही हूँ इसमें मैं। ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में होती ही हैं और हम कभी भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से गाढ़ा करेंगे। हमें इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहना है वरना नीचे से लग जाएगा। और इसमें हाँ देखिए अच्छे से उबाल आने लगा, देखिए ये गाढ़ा भी होने लगा है। गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे वरना उबाल से ये बाहर आने लगेगा, ज़्यादा तेज रहेगा तो। और हमें साइड का भी छुड़ाते रहना है बीच बीच में, और इस तरह से कंटिन्यू इसे घोलते रहना है। साइड में जो मलाई पड़ने लगती है उसे हमें छुड़ाते रहने इसमें बीच में, जैसे कि हम खाएं तो बहुत ही अच्छी लगे आइसक्रीम हमारी। अगर आपको इलायची नहीं पसंद है तो इलायची मत डालिएगा। पर जब पिस्ता डालिएगा तो एकदम बारीक बारीक इसे कट करिएगा, बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं करना है। देखिए अच्छे से ये गाढ़ा होने लगा है एकदम। हमें दूध को इतना इसे पकाना है कि जैसे हमारा तीन भाग दूध रह जाए, एक भाग दूध जल जाए। हमें आधा लीटर दूध में कम से कम 150 ग्राम दूध को जला देना है, जैसे कि वो अच्छे से गाढ़ा हो और हमारी कुल्फी जब जमाए और निकाले तो वो पिघले ना। चलिए हो गया, इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कांच की छोटी छोटी ग्लास ले रखी है, उसमें डाल दूंगी मैं इस तरह से। ये हल्का ठंडा हो गया था, और बाकी जो बचा है मैं यहाँ कप में डाल दूंगी। आप चाहो तो स्टील का डब्बा हो या फिर एकदम एक साइज की इक्वल साइज की ग्लास हो, जैसे हमारी कप है उसमें भी डाल सकते हो, नहीं तो कोई डब्बे में छोटे से डब्बे में उसमें भी डाल के रख सकते हो। उतने में इतना ही हुआ। अब मैं ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट डाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा पिस्ता जो कट किया था बारीक बारीक। इसे हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। इसे कवर कर देंगे जैसे इसमें आइस ना जमे। सभी को कवर कर दिया मैंने, देखिए। और इसके ऊपर से रबड़ बैंड लगा देंगे। इसे अच्छे से पैक कर दिया मैंने, देखिए इस तरह से रबड़ लगाकर। सभी पे रबड़ लगाएंगे इस तरह से, संभाल के लगाइएगा वरना कभी कभी ग्लास गिर सकती है।
या फिर इसे मीडियम कर लीजिएगा, एकदम ठंडा, बहुत ठंडा नहीं करना है, हल्का हल्का गर्म रहे तभी आप अपने ग्लास या कप या किसमें भी भरना चाहें तो भर सकते हैं। अब इसे मैं फ्रीजर में रख दे रही हूँ, एक घंटे बाद मैंने इसे निकाला और इसमें मैं लकड़ी लगा दे रही हूँ। तुरंत नहीं लगा सकते क्योंकि ये अच्छे से जम, हल्की भी जमी नहीं रहेगी, हमारी लकड़ी जो है यहाँ वहाँ से हिल जाएगी। चलिए, मैंने इसे फ्रीजर में फिर से रख दिया था 2 घंटे के लिए, अब ये जम गया अच्छे से और मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।